मिला रख रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मेट्रोलॉजी फर्स्ट ईयर के कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका कोड है COM142। आज हम इनपुट डिवाइसेस शुरू करेंगे। एक्चुअली इनपुट डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके ज़रिए हम कंप्यूटर में इनपुट डाटा करते हैं। वो आप टेक्सचुअल फॉर्म में भी डाटा इनपुट कर सकते हैं, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, मुख्तलिफ तरीकों से आप कंप्यूटर में डाटा फीड कर सकते हैं। और जो इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो किसी पोर्ट से जो है ना आप कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं। पोर्ट तीन चार किस्म की हो सकती हैं, जैसे USB आजकल ट्रेंडिशन है, ज़्यादा ट्रेंड इसका है, यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं इसे। उससे पहले वो एक सीरियल जो है ना पोर्ट भी यूज़ होती थी, कम्युनिकेशन पोर्ट, कॉम पोर्ट और PS2। ये पोर्ट्स यूज होती हैं किसी भी जो है ना इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए PC के साथ। तो सबसे पहले जो इनपुट डिवाइसेस आते हैं वो कीबोर्ड, जो ट्रेडिशनल एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। ये एक टाइपराइटर की तरह का ही कीबोर्ड होता है इसमें, और ये पॉपुलर जो है इनपुट डिवाइसेस हैं। इसके ज़रिए आप कंप्यूटर में टेक्सचुअल जो है वो न्यूमेरिक डाटा इनपुट कर सकते हैं। इसमें नॉर्मली 101 या 102 जो है ना स्टैंडर्ड कीज़ होती हैं। इस क्लास में एडिशनल कीज़ भी होती हैं, जैसे मल्टीमीडिया कीज़ होती हैं, तो उस सूरत में वो नंबर ऑफ कीज़ ज़्यादा हो सकती हैं अगर आपने मल्टीपल या मल्टीमीडिया कीबोर्ड यूज़ किया है। इसमें टाइपिंग कीज़ होती हैं, जैसे A to Z और डिजिट्स 0 to 9, तो इनके ज़रिए आप टाइपिंग कर सकते हैं। न्यूमेरिक की पैड में कुछ जो है ना कैलकुलेटर, बेसिक कैलकुलेटर के भी साइन होते हैं, ऐड का, सम सब्ट्रैक्शन का, ड्वीन का, मल्टीप्लिकेशन का, और उसके अलावा अप डाउन होम, ये कीज़ भी आपको न्यूमेरिक की पैड में मिलती हैं। इस क्लास में फंक्शन कीज़ होती हैं 12 जो हैं, यानी F1 से लेकर F12 तक आपके पास फंक्शन कीज अवेलेबल होते हैं, जिनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं प्रोग्राम की निस्बत से। फिर इसमें कंट्रोल की होती है, अल्टरनेट की होती है, स्केप की होती है, होम, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप एंड डाउन, स्क्रीन कंट्रोल कीज भी कहते हैं इसको, इसमें एरो कीज भी होती हैं। इसके अलावा इसमें स्पेशल पर्पज कीज़ होती हैं, जैसे इसमें इंटर, शिफ्ट, कैप, नम लॉक, स्पेस बार, प्रिंट स्क्रीन, स्क्रॉल लॉक, इस तरह की कुछ कीज़ होती हैं जिनको आप स्पेशल कीज़ या स्पेशल पर्पज कीज़ कह सकते हैं। और ये कीबोर्ड्स की जो है ना डिस्क्रिप्शन थी। दूसरा इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है माउस, इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। ये भी इनपुट डिवाइस है, इसके ज़रिए आप इजीली कोई डिज़ाइन कर सकते हैं इमेज, या इजीली कमांड्स को जो है ना एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जस्ट क्लिक करके, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक, राइट क्लिक, इसके ज़रिए आप कंप्यूटर को इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, फिर उसमें आप माउस का बहुत ज़्यादा उसमें इस्तेमाल होता है, इजीली आप उन एप्लीकेशंस को, प्रोग्राम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी जो है ना पोर्ट्स यूज़ होती हैं। इसके अलावा इसमें लाइट्स, यानी लेज़र जो है टेक्नोलॉजी यूज़ होती है माउस में। इसके अलावा पुराने जो माउस होते थे मैकेनिकल उनको कहते हैं, उसमें बॉल यूज़ होता था, उस बॉल को जो कि सरफेस पे मूव करने से हमारा पॉइंटर जो है माउस का वो मूव होता है। जिस डायरेक्शन में आप माउस को मूव करेंगे उस डायरेक्शन में वो पॉइंटर जो है ना मूव होता है। इसमें डबल बटन बस में 3 होते हैं, फिर स्क्रॉल का एक एडिशनल बटन होता है, तो इसके ज़रिए आप कंप्यूटर को इजीली, इसके एडवांटेज में क्या है, इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होते हैं ये।
चीप होते हैं और फास्टर देन यानी मूव कर सकते हैं आप बनिस्बत एरो कीज जो कि कीबोर्ड्स में होती हैं। इसका नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है जॉयस्टिक। उन्होंने ये भी पॉइंटिंग डिवाइस होता है और ये गेम्स के लिए यूज़ होता है। गेम्स को हैंडल करने के लिए इसका इस्तेमाल जो है ना बहुत ज़्यादा जॉयस्टिक यूज़ करते हैं ताकि माउस को कम इस्तेमाल किया जाए या कीबोर्ड्स को कम इस्तेमाल किया जाए। तो हम जॉयस्टिक्स एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। और ये कैड्स यानी कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में भी इस चीज़ को यूज़ होता है ये। अच्छा, लाइट पेन, लाइट पेन भी एक ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके ज़रिए भी आप डाटा कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप स्क्रीन को सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ इमेज ड्रा कर सकते हैं। तो लाइट पेन से ना सिर्फ जो है ना आप कोई इमेज डिज़ाइन कर सकते हैं बल्कि आप स्क्रीन को भी कंट्रोल भी कर सकते हैं इसकी मदद से। इसी तरह से एक ट्रैक बॉल, ये माउस की तर्ज का ही इनपुट डिवाइस है। माउस में जो है ना जो बॉल माउस है होता है उसका बॉल जो है वो बॉटम में दिया जाता है माउस के, जबकि इसमें जो बॉल होता है वो उसकी टॉप सरफेस पे होता है। आपने इसको हैंड के ज़रिए बॉल को मूव करना होता है जबकि जो ट्रैक बॉल में, जबकि जो माउस होता है आप माउस को सरफेस पे मूव करते हैं तो सरफेस की रगड़ से बॉल मूव होता है, जबकि इसमें आपने माउस को मूव नहीं करना, माउस स्टिल रहेगा। सिर्फ आपने जो इसकी ट्रैक बॉल के टॉप सरफेस पे बॉल होगा उसको आपने मूव करना है। उस बॉल को मूव करने से पॉइंटर मूव होगा। मुमन ये लैपटॉप में ये चीज़ आई थी, उसके बाद ये टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई थी, इसको टच पैड ने चेंज कर लिया था। ये भी पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके भी आप इजीली कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसके ज़रिए आप कोई इमेज जो है वो कंप्यूटर में उसका सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंट फॉर्म में कोई डाटा है और उसको आप सॉफ्ट कॉपी यानी इमेज फॉर्म में कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं फिर आप स्कैनर को यूज़ करेंगे। बिल्कुल जैसे फोटोकॉपी मशीन होती है, फोटोकॉपी ये कि आपको हार्ड कॉपी का कॉपी दे देते हैं, ये आपको सॉफ्ट आपको इस शेप में ये स्कैनर होता है। यहाँ पे आप कोई इमेज जिस ड्राइंग या जो भी आप इमेज चाहते हैं स्क्रीन कैप्चर करना चाहते हैं उसको, तो वो आप इसको यहाँ पे रखेंगे और फिर ये स्कैन करेंगे। इसका भी बकायदा एक प्रोग्राम होता है जिसके ज़रिए आप स्कैनर को यूज़ करते हैं और ये आप इजीली उस इमेज को कंप्यूटर में फीड कर सकते हैं। डिजिटलाइज जो कि जो आपके एनालॉग इन्फॉर्मेशन होती हैं उनको ये डिजिटल में कन्वर्ट करता है। ये आपके पास एक यहाँ पे एक स्क्रीन और एक पेन आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस पेन के ज़रिए आप कोई भी ड्राइंग इस सरफेस पे ड्रॉ करेंगे तो वो कंप्यूटर में भी वो चीज़ ड्रॉ होती जाएगी। आप इजीली जो है ना पिक्चर बना सकते हैं, उसको आप सेव कर सकते हैं। ये टैबलेट के नाम से भी जाना जाता है जो कि ग्राफिक्स और पिक्चर्स को बाइनरी फॉर्म में चेंज करता है। इसका एक माइक्रोफोन होता है जिसके ज़रिए आप साउंड यानी आवाज़ को आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। ये माइक की पिक्चर है, डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है, इससे छोटे साइज में भी अवेलेबल होता है, इसको मल्टीमीडिया भी कहते हैं। आप इजीली जो है ना इसके ज़रिए साउंड को जो है ना कंप्यूटर में आप सेव कर सकते हैं। बार कोड रीडर, ये आप अमूमन आपने सुपरमार्केट शॉप में ये चीज़ देखी होगी कि इस स्कैनर से आप जो बार कोड होता है उसको आप इजीली रीड कर सकते हैं।
तो बार कोड जो जो बार कोड होते हैं, ये आपको एक बार कोड दिखाया गया है, इसको अगर आपने स्कैन करना है तो इसके लिए आपके पास बार कोड रीडर एक डिवाइस होनी चाहिए जो इस बार कोड को स्कैन कर ले, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सिस्टम में फीड हो जाएगी। तो आज जो है ना आपने इनपुट डिवाइसेस के बारे में जाना है, तो नेक्स्ट हम आउटपुट डिवाइसेस पढ़ेंगे। थैंक यू।